उनपे मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब को सुबह शाम का हम उनका देखते हैं और बड़ा खूबसूरत अंदाज और खुसूसन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद अल्लाह खान हजरत रहमान का कलाम का बहुत ही खूब पढ़ते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम अपने लिए पहले डेलस के लिए शहादत समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस महफिल को रौनक बख्शी है और हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इस मोहब्बत से तशरीफ लेकर आए हैं। ये सफर इंशाअल्लाह हमारी मोहब्बतों का जारी और सही रहेगा और बेशक वो हुजूर की मोहब्बत को फैलाने आए हैं। और क्या बात है मेरे आका अलैहिस्सलाम की कि वह हर आलम की रहमत है, इसी आलम में रह जाते हैं, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम असल आया। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह की शर्त बकदम हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह की शर्त बकदम शान है ये। अगर आप शर्त से देखिए पाँव तक आकर करीम अलैहिस्सलाम को देखें तो हुजूर आला फरमाते हैं कि अल्लाह की शर्त बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बगैर किसी काफी आगे हम चलते हैं जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सबकी मोहब्बतों से इंशाअल्लाह इस महफिल को शुरू करते हैं। नारों से इस्तकबाल फरमाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे विसाल, नारे विसाल, सरकार की आमद, आका मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिक व असहाबिका या हबीबल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह व अला आलिक व असहाबिका या नूरुल्लाह। अल्लाह ताला का भी अपना फजल व करम और उसकी नाए से हम इस पाक महफिल में बैठे हैं। यकीनन इस साल जो सिचुएशन है और अभी तो फिर भी कुछ बेहतर आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जो रमज़ान गुज़रा है और रमज़ान के बाद से लेकर अब तक जो मामलात हुए हैं, यकीनन ये अल्लाह ताला का फजल व करम है कि आप इस महफिल में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद हैं। महफिलें तो हो रही थी लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा हो रही थी, ज़ाहिरी तौर पर लोग कम आते थे, रूहानी तौर पर ज़्यादा होते थे मैं समझता हूँ। तो ये इस वक्त आप बैठे हैं तो महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और इस वक्त पूरे डैलस में मुसलमानों की अक्सरियत जो कम्युनिटी है, जितनी हमारी कम्युनिटी है, तमाम मस्जिद को अगर आप देख लें, मक्का मस्जिद हो गई, नूरी मस्जिद हो गई, हमारे मदीना मस्जिद हो गई और भी जितनी मस्जिद हैं, तो आप ये देख लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना किरदार जिस तरीके से मुसलमान कम्युनिटी के लिए पेश करते हैं, अल्लाह इनकी खूब इस तमाम काविश को कबूल मंजूर फरमाए। मैं बात वो करने लगा था कि आज हम यहाँ बैठे हैं फिज़िकली तौर पर, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम हुज़ूर के मेहमान बनकर बैठे हैं। जब मेहमान बनकर बैठे हैं तो अच्छा मेज़बान वही होता है जो मेहमान को कभी खाली ना लौटाए, या कम से कम उसकी ऐसी खातिर तवाज़ो करे कि उसको याद रहे। तो हुज़ूर से अच्छा कोई मेज़बान हो ही नहीं सकता, पूरे आलम इस्लाम में हुज़ूर से अच्छा कोई मेज़बान नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि आपको खावर भाई ने नहीं बुलाया, खावर भाई तो एक वसीला बने हैं, टेक्सस किंग एक वसीला है, बेसिकली हमें बुलाया हुजूर ने। दावत पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने दी होगी, है पब्लिसिटी चल रही है, टेक्सस किंग में महफिल है, टेक्सस किंग में महफिल है, कितने लोग यहाँ पर, कितने लोगों तक इन्विटेशन पहुँचा, लेकिन आप उन लोगों में से है कि आप उस महफिल में आए हैं। जब आए हैं तो यहाँ पर कुछ लेकर जाएंगे। और सबसे बड़ी इस वक्त जो सबसे बड़ी दुआ है कि अल्लाह इस वबा से हमें हमारी फैमिली को महफूज फरमाए। मैं काफ़ी चेहरे देख रहा हूँ जो अक्सर हर साल मुझे मिलते हैं, जो आज दो दिन महफिल थी, आज तीसरी महफिल है, कल मैंने यहाँ से चले जाना है शार्लेट की तरफ। तो कहने का मकसद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मामलात में भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब की महफिल को महबूब जो सजाते हैं, आते हैं वही जो जिनको सरकार बुलाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह महफिल है इस वक्त भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में भी, और जिन्होंने सजाई है यकीनन अल्लाह इनको खूब बरकत नसीब फरमाए। इंशाल्लाह क़िबला शाह साहब भी बहुत जल्द इंशाल्लाह तशरीफ़ ले आएंगे। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे अल्लामा बाबा रहमानी साहब का, हज़रत क़िबला तशरीफ़ लाएँ
और काफ़ी जो रफ़का हैं तमाम सनाखानों ने माशाल्लाह पढ़ लिया, मुस्तफ़ा भाई ने, हमारे भाई ने, ये दो तीन आगे माशाल्लाह तमाम सनाखा बैठे, अल्लाह तमाम को बरकत नसीब फरमाए। मिलकर मोहब्बत के साथ मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा कि इतनी आवाज़ के साथ पढ़े, जिसको अल्लाह ने आवाज़ दी है चाहे वो आगे बैठा है पीछे बैठा है, अब इस बात का सबूत दे कि सारा अल्हम्दुलिल्लाह आशिक बनकर बैठा। मिलकर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या। ऐसे पढ़ेंगे तो भाई कोविड में भी, कोविड में कोई मास्क की पाबंदी है कि नहीं, आवाज की पाबंदी कोई नहीं है, जरा ऊंचा पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या। दस्तगीर का नौकर सर उठा के चलता, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। उससे सौ लाख को काफी है इशारा तेरा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि।
पेश करता हूँ। आपने कहना है अल्लाह हू अल्लाह, क्या कहना है? क्या कहना है? इस तरह नहीं, ऊंचा बोलना। क्या अब आप कहें कि मैं सबका नाम लेकर बोलूं कि ये कहे तो मुनासिब नहीं है। जरा मिलकर बोलिए अल्लाह हू अल्लाह, ऊंचा अल्लाह हू अल्लाह। वो तन्हा कौन है? अल्लाह हू अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाह हू अल्लाह। मेहरबान वो कौन है? अल्लाह हू अल्लाह। क्या ऊंची शान है? अल्लाह हू अल्लाह। उसके सब निशान है? अल्लाह हू अल्लाह। सब दिलों की जान है? अल्लाह हू अल्लाह। हस्बे रब्बी जल्लल्लाह। अल्लाह हू अल्लाह। في قلبي غير الله الله هو الله نور محمد صلى الله الله هو الله لا إله إلا الله الله هو الله لا إله إلا الله الله هو الله كل جاي در جنتك الله هو दोज़ख की सब आग बुझे अल्लाह हो अल्लाह। दिल से कोई एक बार कहे अल्लाह हो अल्लाह। हस्बे रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह हो अल्लाह। मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह अल्लाह हो अल्लाह। Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah. Wo tanha kaun hai? Allah. Badshah wo kaun hai? Allahu Allah. Mehrban wo kaun hai? Allahu Allah. ربي جل الله 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تبي نار رسالة ہماری خوش نصیب سید السادات ابو السادات حضرت علامہ مولانا مختار شاہ نعیمی صاحب حضرت قبلہ تشریف خوش آمدید حضرت کو کیا کہیں حضرت کو کہیں حضرت تشریف رکھتے ہیں اور یقیناً ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ تر حائل نہیں رہوں گا کوشش کروں گا ان شاء اللہ اپنے وقت پر کلام پیش کروں گا ان شاء اللہ اللہ کے سید سادات کا سایہ علامہ اکرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم قائم دائم رکھے مل کر مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل محمد سيد القولين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا
محمدًا على حبيبك خير الخلق كلهم. اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیے. یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا، 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں میں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے ہم گناتی تھی. ابھی جبری میں اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. سارے بولیں گے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو شہ گھر دو سر تشریف لے آئے. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو شہ گھر دو سر تشریف لے آئے. سرکار کی آمد سارے اونچا بولو، سب مل کر بولو اور اونچا بولو مرحبا. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو شہ پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی تو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. مبارک ہو، مبارک ہو، صبح زیبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں بتا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا، نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کھرانا نور کا. مبارک ہو شہ گھر دو سر تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی اللہ عرض کی جبریل نے شاہد
उनका मंगता
उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मैंने अगला शेर नहीं पढ़ना जब तक सारे मिलकर नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं, शायर कहते हैं कि मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रख लेते हैं, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। सारे दरवाजे बंद है हुजूर की बारगाह में जाने के लिए बजाहिर, और यकीनन इंशाल्लाह ये दरवाजे भी बहुत जल्द खुल जाएंगे और उनकी बारगाह में हाजिर का शर्फ नसीब होगा। शायर कहते हैं सुनिए कि मेरे हालात पिया मेरे दुश्मन ठहरे, मेरे हालात पियारो मेरे दुश्मन ठहरे, मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते, मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता सारे आखिरी
में जरा मिलकर बोले, जो हुजूर का दिल का मंगता बैठा है बोलेगा, कोई का मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। नारे तकबीर, नारे सलाम, नारे हैदरी। मैं पंजाबी ग्राम की तरफ आ रही हूँ, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। मेरे खाले तक अध मेमन बैठे ने कहा पंजाबी बैठे ने, तो मैं इंशाल्लाह पंजाबी कलाम दे एक दो कलाम एक पेश कराऊंगा इंशाल्लाह। शाह साहब होंगे, उसी होंगे नारा मैं लगाता हूँ, जवाब आप दे, जवाब आप दे, क्योंकि यहाँ वाले नारे माशाल्लाह बहुत अच्छे लगा रहे हैं लेकिन जवाब ऐसा नहीं आ रहा, तो शायद आप इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि नारा मैं लगाऊंगी, क्योंकि उसके बाद आप नारा चुके हैं। काफ़ी लोग अभी आए हैं और कुछ लोग पहले से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, अल्ताफ़ भाई शुरू से बैठे हुए हैं, आपने शुएब भाई शुरू से माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह तमाम को बरकत नसीब फरमाए। एक मरतबा मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर पर एक हाथ, नारे रिसालत पर दोनों हाथ, नारे तकबीर, अल्लाह ने जिसको हाथ दिए उसी को हाथ बुलंद करके, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तेरा खामा मैं तेरे गीत गवाया रसूल अल्लाह, जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट है अल्लाह इन मुस्कुराहट को सलामत रखे, इसी मुस्कुराहट के साथ ऊंचा पढ़ लो, तेरा खामा मैं तेरे गीत गवाया रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद आगे वालों बोलो मरहबा, सब मिलकर बोलो मरहबा, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हलीमा कर कदी वेखे कदी सरकार वेखे, हलीमा कर कदी सरकार नू वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजावाया रसूल अल्लाह, मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजावाया रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा सारे ऊंचा बोलो मरहबा, सब मिलकर बोलो मरहबा, और मेरा भी दिल चाहता है तुसी मेरे भी कराओ, पलका बिछावाया रसूल अल्लाह, तेरी रावा दे विच पलका बिछावाया रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सारे ऊंचा बोलो मरहबा, सब मिलकर बोलो मरहबा, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह।
मैंने एक बात महसूस की जब मैं अमेरिका पहुंचा तो मैंने देखा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी जहां पर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अमेरिका से बाहर भी मुस्लिम ममालिक जितने, मैंने इस बात को देखा कि उनमें जो ये जो वबा का जो वबा रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है बनिस्बत दूसरे ममालिक के और दूसरी कम्युनिटी के। तो मैं यही सोच रहा था कि इसकी कोई ना कोई यकीनन कोई वजह है, और वजह क्या है कि अल्लाह उसको रसूल कर सकता है। पाकिस्तान में देखें जितनी अजानें दी गई हैं, घरों में लोगों ने अजानें कितनी दी, हर तरफ अजानें अजानें हो रही हैं। तो आज आप पाकिस्तान में जाके देख लें तो किस तरह लोग बिल्कुल, बल्कि एक ह्यूस्टन का बंदा था वो पाकिस्तान पहुँचा तो मैंने कहा आपने क्या देखा यहाँ पर कोरोना में, तो कोरोना में क्या मामला आपको लगे, एहतियात ज़रूरी है जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं जितने पाकिस्तान में, एहतियात बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी। लेकिन उसने वहाँ आके मुझे कहा कि यार मैं तो ह्यूस्टन में था और जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, हालांकि है मामला बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि इस वक्त जो रेशो है वो मुसलमान जितने जहाँ पर लोग मुसलमान रहते हैं वहाँ पर ये रेशो फिर भी आपको कम नज़र आएगा, उसको क्या है बरकत है, ये महाफिलें हैं, ये अजानें हैं, ये अल्लाह उसके रसूल का जिक्र है। और अगर हम इससे ही दूर चले जाएँ तो फिर हमारे पास कोई एहतियात बिल्कुल आप करें जिस तरह आप अभी बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखें, एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करें, ज़रूरी नहीं कि आप सबको बुलाएं, कम से कम अपने घर में अजानों का सिलसिला अभी तक जारी रखें, इंशाल्लाह आप उसकी बरकत देंगे। हमारे खावर भाई ने देखा ये पाकिस्तान से सारी चीज़ें, ये झंडे, ये सब चीज़ें पाकिस्तान से मंगाई, ये इनका शौक है, इनका शौक है, वरना ये कौन करता है यहाँ पर, किसके पास इतना टाइम है, ये हुजूर की मोहब्बत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल्लाह इनको खूब बरकत नसीब फरमाए। आइए मिलकर एक कलाम में पढ़ता हूँ इसी यकीन के साथ, हुजूर की विलादत का महीना है, मिलकर नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है, पढ़ो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, पढ़ो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या जब तलक ये चांद तारे जिल मिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है, पढ़ो अस्सलातु वस्सलाम अलैका رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی منڈتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا سب مل کر بولو مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے آپ سے سوال کرتا ہوں جواب دینے والے آپ ہیں دیکھنا چاہتا ہوں کیسا جواب آتا ہے اور ڈیلس کے مسلمانوں خاموش نہیں رہنا شاعر کہتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے اب اس کا اگلی لائن ہے جواب آپ نے دینا ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو
नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम लिए, देखो कैसा नूर छाया है। पढ़ो अस्सलातुम वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातुम वस्सलाम अलैका या जन्नत में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, देखो कैसा नूर छाया है। कैसा होगा जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाए, सुबह सादी का वो वक्त, जरा महसूस कीजिए कि वो लम्हा कैसा होगा कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाए। और शायर कहते हैं, प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते सूरत हंसता चेहरा
رسالت صاحب خلق عظیم مدنی इशारा दे दिया है उसी इशारे के मुताबिक मैं इंशाल्लाह हाजिर होता हूं। एक मर्तबा अमली कर दूं पाक अल्लाह मुसल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद रादा दुआ फिर मिले अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जो वबा चल रही है अल्लाह इससे महफूज फरमाए, और शायर कहते हैं इसका सुई लेगा रोक लेती आपकी निस्बत करम है हुजूर कहां पर आने वाले अजाब टलते हैं। जिसका ईमान है बोले सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। ये करम है हुजूर कहां पर कहा वही भरते चोलिया क्योंकि वो समझते हैं बोलियां सबकी, अरे वो समझते हैं बोलियां क्योंकि वो ही भरते हैं झोलियां सब की। आओ दरबार मुस्तफा को चले, आओ दरबार मुस्तफा को चले, हम खुशी में वही पे ठलते हैं। करम है हुजूर कहां पर आने वाले अजाब टलते हैं। अगर यकीन मजबूत हो जाए ना तो कोई आपको हिला नहीं सकता। मेरा जाती मुशाहिदा है, कसम खुदा की। शायर कहते हैं, शायर क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। कि अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। शायर कहते हैं, शायर कहते हैं कि जिक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफअते खालिद। ये उजाले कभी न सुनते के ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं। के कुछ आ जाए ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढल।
करते हैं करम है हुजूर का हम पर ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते जिन्होंने इतनी प्यारी महफिल कर सजाई अल्लाह को बहुत बरकत नसीब।